हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फिर से एक और नई प्यारी सुबह। सीन ये हो रहा है कि यार थकान नहीं उतर पा रही है। जब से शिफ्ट करके आए हैं हमें एटलीस्ट 8 या 9 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारी थकान प्रॉपर नहीं उतर रही है। नींद पूरी नहीं हो पा रही, सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सो पा रहा हूँ मैं। इससे ज्यादा सोना मेरा हो ही नहीं रहा, पता नहीं कौन है सब आई। स्टूडियो मैंने रात को ऐसे खुला छोड़ दिया था अपना, और ये वाला गेट बनता बालकनी वाला। हालांकि आज भी मौसम अच्छा अच्छा हो रहा है, बादल भी काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। देखो यार, बिल्कुल अलग से बादल रखा हुआ है। नीचे कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। मलबा यहाँ से बन रहा है मसाला, और सब यहाँ ऊपर जा रहा है क्रेन की मदद से। मगर यार बादल बड़ा प्यारा लग रहा है, देखना बादल कितना अच्छा है। देखो देखो ऊपर, इधर आके देखो। और आज धूप भी काफ़ी करारी वाली निकली हुई है, यानी कि सब जगह धूप 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 हो रही है। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर भी थी, मगर फिलहाल यहाँ ऊपर बादल आ रखा है ना, इस वजह से यहाँ पर धूप नहीं है, वहाँ आगे की तरफ है। अब सीन ये है कि इतनी धूप निकलने के बाद भी काफ़ी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे कि और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा औसम सुहाना, तो मैं लगाता हूँ बादलों का एक प्यारा सा टाइम लैप्स, जो कि अब से आधे घंटे तक चलेगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली, ब्लॉग के अकॉर्डिंगली तो कुछ सेकेंड ही बस। ये देखो खतरनाक वाले बादल शाइन कर रहे हैं, तो यहीं से हम टाइम लैप्स स्टार्ट करेंगे। Fight for my sin, for your sin, you must prove it. इतने में हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया, और इतने हमारा टाइम लैप्स भी बन गया, यानी कि एक टाइम में दो दो काम एक साथ हो गए। देखो बादल, देखो बिल्कुल शाइन कर रहा है आज। टाइम हो गया है 3:15 बजे का। हल्की हल्की भूख को मिटाने के लिए हमें खानी होगी मैगी, मैगी वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद से काम स्टार्ट करना है। यार इतना पीका पीका सा क्यों लग रहा है ये? इसमें तुमने कुछ और डाला नहीं, मिक्स वगैरह किया नहीं, मसाला वगैरह नहीं? क्यों, मर्जी मेरी। मैं कोने में बैठ के बड़े शान से चाय के मजे ले रहा हूँ, कोने में बैठ के ले रहा हूँ, कहाँ बैठा हुआ मैं टेबल के पास। हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर हमने जूम कर लिया, ये बादलों में गया, ये राउंड लगा रहा है, गोल गोल राउंड लगा रहा है। मैं जस्ट काम कर रहा था, काम करते करते सडनली लाइट चली गई। वैसे यूजुअली जाती नहीं है लाइट, फर्स्ट टाइम लाइट गई है जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। 10 दिन एटलीस्ट हमारे को हो चुके हैं, और 8-10 दिनों के अंदर पहली बार लाइट गई है दिन में। वैसे जाती नहीं, चलो इतना चलता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम पास कर लेंगे जैसे कैसे करके। मैं पानी पानी हो गए, तुम्हारा हुआ नहीं किचन यार, तुमने आरओ भी साफ नहीं किया। कर तो दिया, कर दिया, सही है ना। हाँ देखो सारे निशान हट गए, मैं तुमसे कह रहा था ना इसके ऊपर पहले तुम लगा देती तो पहले क्लीन हो जाता ये बिल्कुल, तुमने लेट कर दिया बहुत। और अभी हमारी यहाँ पर रेक वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, सारा सामान सब कुछ ऐसे फैला पड़ा हुआ है, मतलब कप वगैरह सब कुछ ऐसे रखे हैं। मार्केट जाना होगा तो लगाएंगे यहाँ पर वॉल के ऊपर। जब तभी यार 4-5 दिन से पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा उसको कहाँ फेंकें। या हो सकता है कि मैं अगर गाड़ी लेकर जाऊँ तो इसको रख के कूड़े खत्ते पर डाल देंगे। बाकी इसके अलावा मौसम के हाल कुछ ऐसे हैं, कभी धूप निकल रही है तो कभी हल्की हल्की गर्मी हो रही है। वैसे बारिश नहीं हुई आज पूरे दिन, मगर बादलों का मंजर आज भी वैसे ही बना हुआ है। हालांकि मानसून का मौसम है तो बारिश कभी भी हो सकती है। फिलहाल अभी तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह निगरानी रख रहा था हमारे ऊपर पता नहीं किस पे, समझ नहीं आ रहा। ये अगस्त का मंथ है ना, अगस्त के मंथ के अंदर थोड़ी बहुत ये सख्ती कर देते हैं, जैसे चेक पोस्ट वगैरह लगाना, हेलीकॉप्टर वगैरह घूमने, सभी के ऊपर निगरानी रखनी, कुछ उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की जा रही। वैसे होना चाहिए, ये बेस्ट है, हर तरह से सेफ्टी अपने हाथ में रहती है। और अभी तक मुझे अच्छा लगता है कि ये 15 अगस्त के ऊपर खासतौर से 26 जनवरी के ऊपर इतनी ज़्यादा सेफ्टी कर देते हैं, हद से ज़्यादा, कि कोई भी शरारती तत्व ना हो सके। वेल डन इंडिया, वेल डन। और मैं इस चीज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट को दिल से सल्यूट करना चाहूँगा कि वो हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, खासतौर से फौजी आर्मी वगैरह हो गए। बहुत सारे होते हैं रिस्पेक्ट नहीं करते, मगर फिलहाल मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार फौजियों के आर्मियों के बीच में रहा हूँ और उनकी लाइफ को मैंने देखा है। वाकई में काफ़ी, जब सोचता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ, उनकी लाइफ कैसी होती है, घर से दूर रहना, हमेशा देश की सेवा करनी, रक्षा करनी, सिर्फ हम सुख से रह सकें। बॉर्डर्स के ऊपर कितने सारे फौजी वगैरह खड़े हुए हैं, तो उनसे मैं खास तौर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ कि वो हमारे लिए
सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, वो दिल से सैल्यूट। टाइम हो गया है शाम को 6 बजे का और अभी तक हमने खाना नहीं खाया क्योंकि बिकॉज हमने मैगी वगैरह खा ली थी, वो हल्की हल्की भूख हमारी कवर कर गई थी और अब हम खाना खाएंगे दोपहर का। खाना हमारा यूजुअली भी यहाँ पर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पर सामान आना हमारा बाकी है थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद से खाना बनना स्टार्ट होगा। इतने मैडम जी के घर से खाना आ रहा है तो वहीं से खाना लेने चलते हैं। पहले कबूतर यहाँ कहाँ से बैठ गया आज? ओ इसमें तो मैंने पानी डाला नहीं, कल बारिश हुई थी मगर चलो डाल देंगे एक बार। तो अब चलते हैं बाहर, मैं सुबह गया था और अब दोबारा जा रहा हूँ सेकेंड टाइम। तो फाइनली आज हमारे लंच में है कबाब और साथ में चटनी नींबू रोटी। तो लंच वगैरह करने के बाद मैं 1.5 घंटा के लिए सो गया था, यानी कि बिल्कुल सुकून की नींद आई और ऐसा में मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है यार, जब से शिफ्टिंग करी तब से नींद पूरी नहीं हो रही। वैसे मैं सो भी 5 घंटे 6 घंटे के लिए रहा हूँ, बाकी इसके अलावा काम काम काम, सुबह शाम रात काम में लगा रहता हूँ हमेशा ट्रेंडिंग पर अपडेट्स वगैरह शेयर करने। तो अब मुझे हद से ज़्यादा सुस्ती सी आ रही है तो मैं पहले जा रहा हूँ नहाने के लिए क्योंकि बिकॉज नहाने के बाद ही सुस्ती पूरी उतर पाएगी। तो मैं नहा धोकर फाइनली पूरा फ्रेश हो गया हूँ सक्सेसफुली, अब जाकर थोड़ी बहुत थकान भी दूर हुई है और कहीं ना कहीं मेरी नींद भी दूर हुई है और जो सारी सुस्ती आ रही थी बॉडी में वो सब दूर हो गई। अब थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे फिर उसके बाद से देखते हैं काम क्या है। तो गाइस काम करते करते टाइम हो गया है रात के 2:45 का और जितना भी सारा स्टूडियो है मैंने अपना पूरा सब सिमेट दिया है बिकॉज अब मैं बैठूंगा यहाँ पर मॉर्निंग में काम करने के लिए। लाइटिंग वगैरह मैंने सब कुछ यहाँ पर बंद कर दी है, बस ये लाइट और बंद कर देंगे, बाकी अब सोना ये ब्लॉग को एडिट वगैरह करके। और मैंने हेयर स्टाइल भी फिलहाल चेंज किया है कुछ इस तरह से, हालांकि मुझे इरिटेट होता है इस तरह से बाल रखने में क्योंकि बिकॉज सारे पसीने वसीने आते हैं ना यहाँ पर, तो मैं सोचता हूँ बस इसको बालों को ना ऊपर कर लूँ, मगर फिलहाल मेरा बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की है जिसकी वजह से बार बार गिरता रहता है। या तो अगर मुझे ऊपर करने हेयरबैंड लगाना होगा या फिर मुझे स्प्रे लगाना होगा, बार बार स्प्रे लगाना ठीक नहीं रहता, इस वजह से मैं हेयरबैंड लगा के रख लेता हूँ, अदरवाइज मैंने कहा आज गिरे रहने दो, देखते हैं कब तक गिरेंगे और कितनी नीचे तक गिरेंगे। तो फाइनली गाइस इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, आप इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए एक बार दिल से थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओ मैडम आराम से बैठ के सीरियल देख रही हो, आधा कप चाय पिला दो मुझे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्या आप ये काम कर पाएंगी या फिर नहीं ये मैं बता दीजिए। नहीं सुस्ती तो आ रही है, नहीं मैं इतने ब्लॉग वगैरह एडिट कर लूँगा, आप हमारे लिए चाय पिला देंगे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। फिर हमारा बर्थडे मनाने की तैयारी स्पेशल, 12 बज चुके हैं मतलब 4 तारीख हो चुकी है, अब जो 4 तारीख मतलब अब जो 5 तारीख लगेगी 12 बजे के बाद तो मेरा बर्थडे चल रहा है, इट्स नॉट अ 6 only 5, तो मेरा बर्थडे आने में सिर्फ 1 दिन का वक्त रहेगा, 24 घंटे रहेगा, मजा आएगा। अच्छा कैसा बनेगा बर्थडे तो पता चलेगा, फिलहाल आप खड़ी हो चाय बनाओ मेरे लिए, जल्दी खड़ी हो, सुस्त ना बनो, खड़ी हो जाओ, बस चाय पिला दो मुझे, मैं ब्लॉग को एडिट करूँगा हवा में बैठ के यहाँ पर, जल्दी खड़ी हो जाओ, सुस्त ना बनो, खड़ी हो, नहीं 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 बस हो जाओ, बस हो जाओ, मैंने चूड़ी पर वजन डाला ही नहीं, चलो खड़ी हो, खड़ी 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 खड़ी, अच्छा बेटा खींच लूंगा फिर मैं, देखो खींच लूंगा, पहले बताओ चल रही हो नहीं, बना रही हो, चलो चलो इज्जत से, मेरा वो कहाँ है खोपरा, खा गए सारा, फ्रिज में है ना, पक्की बात, छुपा दिया, मैं देख के आता हूँ, रुकता हूँ खोपरा खाया क्या नहीं है, खोपरा कहाँ गया, कहाँ छुपा है यार बता दो इज्जत से, सब खा लिया यार, कितनी तुम बदतमीज़ हो, सारा खोपरा खा गई मेरा, अब मैं कल लेके आऊँगा अपने लिए 2 गोले और छुपा के रखूँगा देखना। Fight for my sin, for your sin, you must